नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीडी मोस्ट में। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, ये कहावत है बड़ी अच्छी। तो इसमें हम लोग ने ये देखा है इस एपिसोड में कि किस प्रकार से गुण मिल गए, किसके? देवी संज्ञा के और देवराज के, इंद्र के। तो एक दूसरे को गुरु मान बैठे हैं दोनों लोग, सोच पढ़ पा रहे हैं एक दूसरे की, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, और चित्त मिल बैठा है राहु से, तो राहु ये चेला बने बैठे हैं। ठीक है, तो गुरु और चेला दोनों लोग आपस में इस प्रकार की मंत्रणा लेकर के गए हैं सूर्य लोग कि अब युद्ध होना तय हो गया। अच्छा, नीलिमा का एक हम लोगों ने पावर पैक परफॉर्मेंस भी देखा कि किस प्रकार से वो स्वप्न में जाकर के अभ्यक्ति पे नियंत्रण कर रही या असर कर रही। और कहा जाता है कि नीलम पत्थर जो है, नीलिमा का जो प्रारूप माना जाता है अंश के रूप में, उसको कभी भी सीधे धारण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको लाके तकिए के नीचे रख के सोइए, अगर सूट करना होगा तो वो वहीं कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब अगर सपना आया कैसा आया, नहीं आया तो ठीक है, अच्छा आया सपना तो ठीक है, बुरा आया तो मत पहनो। अरे देख रहे हैं थाइनोस वाला, हाँ ऐसा ही कुछ हो। पूरा गैजेट बनाया तब पहने उन्होंने। बहुत शक्तिशाली पत्थर हैं, इनके बारे में जानने के लिए हमें और सोर्सेस के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई नॉलेज। फिलहाल देवी नीलिमा जो हैं शनि देव को चेतावनी दे रही हैं स्वप्न में कि युद्ध का समय आ चुका है और मैंने अपना स्टेप ले लिया है, अब आप आगे बढ़िए। हाँ, तो अब देखते हैं किस प्रकार के द्वंद का सामना होने वाला है। बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 162 पार्ट 2। नीलिमा ने अपना कर्म पथ चुन लिया है और इसलिए अब उसका द्वंद कर्म फलदाता से, शरीर से, मुझसे। इसलिए अब क्या करना है इसका निर्णय मैं करूंगा। तो शीघ्रता करो शनि, शनि अकेला नहीं जाएगा, उनके पिताश्री उनके साथ जाएंगे। हम जाएंगे, यम जाएंगे। हाँ, हम सब अपनी शक्ति को एकत्रित करके उनका सामना करेंगे। भयंकर द्वंद होने वाला है, देव देव संग्राम होने वाला। अवश्य सूर्य थे, मेरा भी मंतव्य यही था। देवी संज्ञा भी तो यही चाहती है। मैं तो स्पष्ट करना चाहता था कि नीलिमा की शक्ति का सामना शनि के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। विश्वास रखिए इंद्रदेव, नीलिमा आपके लिए संकट नहीं बन पाएगी, विजय हमारी ही होगी। धन्यवाद देव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वही प्रकरण दोबारा देखने मिलेगा जब सूर्यदेव लोग की बदली बनाया था। लेकिन शनिदेव के अपोजिट में सब कोई था नहीं भाई, टक्कर का यार शनिदेव है। इस समय देवी नीलिमा उनसे ज्यादा ऊपर चल रही है। ठीक है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं है। तो यार सही है, जिसका तुम उसी को ऑनलाइन किए मेरे को अच्छा भी लग रहा है। अच्छा बात है, सुस्त तो दिखाई। आगे देते आक्रमण करने से पूर्व मुझे तैयारियां करना आवश्यक है। शनि, अपना ध्यान रखना पुत्र। मुझ पर विश्वास कीजिए माता, मैं जो करूं वही करूंगा जो आवश्यक होगा। रख विश्वास, आगे सब जाने दे। पहली मीटिंग जो होगी ना, फेस ऑफ होगा, देखने मजा आएगा। पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, मजा आएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो सृष्टि के सबसे महान ज्ञानी और गुणवान पुरुष हैं। आपके ज्ञान और विवेक के बिना तो मेरे लिए कुछ भी कर पाना असंभव था, इसीलिए तो मैं आपका इतना सम्मान करती हूँ। अरे भाई, परंतु फिर शुरुआत कर दी। मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकती। मलिकाना भाई, वही प्रकरण हो रहा है, सभी को बंदी बना। मेरे ज्ञान का दुरुपयोग किया है देवी संज्ञा, मैं तुम्हें सावधान करता हूँ। अभी भी समय है कि अपने आप को रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का अवसर भी ना मिले। अब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ये भली भांति जानती हो कि शनि ना भूलता है ना क्षमा करता है। वाह।
कुछ भूलने या क्षमा करने का प्रश्न तो तब उठेगा ना जब शनि स्वयं अपने पैरों पर उठ पाएगा। वाह 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 वाह, क्या सोच है। इसके पश्चात उसका अस्तित्व भी भुला दिया जाएगा। उड़ा दूंगी। ये केवल सूर्य लोक से निकाला है ना, सारे लोगों पे कब्जा कर लूंगी। अविवेकी स्त्री जब घर से निकलती है तो इसी प्रकार के कलेश घर में लेके आती है। ऐसा विवेक के साथ अगर आप कहीं निकले तो अपने घर को छोड़े। विजय लौटना और सुरक्षित भी पुत्र। कमियां किसके अंदर में? शनि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माता। ये फर्स्ट टाइम है पिता और भाई के साथ जा रहे हैं युद्ध करने। वैसा अपोजिट में इनके साथ नहीं किया, इनके विरुद्ध किया, विरुद्ध में खड़े हुए हैं। वो आईपीएल हो गया भाई। आज मेरे पास ये प्लेयर भी है, ये प्लेयर भी है, ये प्लेयर भी है। माता के हाथ का उन्हें एहसास हुआ। देवी संज्ञा के आने पर उन्होंने भी वही कष्ट झेला है। मैंने अपने विलोम शक्ति का ही प्रहार अनुभव किया। वो शक्ति जो मेरे जैसी है परंतु उसकी धारा मुझसे विपरीत है, वो जो मेरा नाश करने में भी सक्षम। स्मरण है ना माता कि जब मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा भी नहीं। जब हमारे कर्म शुभ हो तो उसके परिणाम के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं। शनि मेरी रक्षा करो। शनि रक्षा करो। शनि मेरी रक्षा करो। शनि रक्षा करो। शनि शनि मेरी रक्षा करो। शनि भाई यार एकदम सात घोड़ों का रथ सूर्य देव कहेंगे कल कर्म सुधारने की चीज है। पलटी मार ओहो सैनिक दिखाने के जली ने तुम्हें मार्ग पर आने का अवसर दिया था संज्ञा, परंतु प्रतीत होता है तुम्हारे लिए दंड ही उचित था। तुमने अपने भूलों से कुछ सीखा ही नहीं। सीखा तो आपने भी अपनी भूलों से नहीं देव। कितनी बार देवराज इंद्र ने आपको अपने भ्रम के जाल में फंसाया, परंतु आप फिर भी नहीं समझे। देवराज के लिए देव नहीं उनका सिंहासन महत्वपूर्ण है। सरप्राइज सरप्राइज। ये मैंने सारी पलटी ये सारी सेना गायब।
ही बदल दिया। मैदान कर भाई, पहले पता होता तो अपने से निकले क्या पे ना। और क्या शक्ति, शक्ति ही मेरा सामर्थ्य है, और मैं शक्ति के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं देव? और इस समय वो शक्ति है नीलिमा, और मेरे साथ राहु है, जिसके वश में सारे देवों की मति है। तो शेष कर यही होगा देव, कि आप हमारे साथ मिल जाए। सबसे अधिक बलवान का साथ दे, और जो दुर्बल है उसका साथ छोड़ दे। और यहां सबसे दुर्बल शनि है। ये तो बस शुरुआत है शनि, अभी तो नीलिमा का युद्ध में आना शेष है। तुम्हारा नाश निश्चित है शनि। बहुत ही अद्भुत प्रकरण स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है वो युद्ध, जिस युद्ध का इंतजार हमें आपको सबको था। भाई ने एक डायलॉग बोला, पार्टी बदल लिया। वो ऐसा ही सीन था कुछ, क्या करें, अचानक से मैम्स इतने ज्यादा चल गया था कि हर सीन या हर मोमेंट के लिए एक मैम कुछ ना कुछ दिमाग में घूमता ही रहता है। तू समझा? नहीं। जिस प्रकार से मैंने भी कहा था कि अभी इंद्रदेव ने जो पीछे सैनिक खड़े किए केवल दिखाने के, एक चुटकी बजाने में उन्होंने इधर से उधर कर दिए। क्या ही बताया, मतलब इंद्रदेव को वही कहते ना, दूध का जला छाछ फूक फूक पर पीता है, लेकिन सूर्यदेव समझे नहीं, क्योंकि वो तो देवी संगे ने अच्छी बात कही। हाँ। कि आप भी तो नहीं समझ पाए कि देवराज इंद्र के लिए उनका सिंहासन ही आवश्यक है, और पावर है। पावर इंपॉर्टेंट है, वो सिंहासन से ही प्राप्त होता है। आप बार बार फंस जाते हैं उनके जाल में और आते हैं। हाँ। नहीं तो अभी वो दिव्य सैनिक अपने लेके आते, वो अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इंद्रदेव किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, ऐसा सीरियल में जैसा दिखाया। लेकिन देखने में अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिता और दोनों पुत्र पहली बार साथ में आए, अभी तो भड़काने की कोशिश। लेकिन ये है कि यहाँ पावर एक साइड ज्यादा है, क्योंकि देवी नीलिमा अभी शनिदेव से ज्यादा पावरफुल है, और उसके बाद देवराज इंद्र का युद्ध होगा या सूर्यदेव और इनसे। अब देखिए, एक तरफ देवी संज्ञा, एक तरफ देवराज इंद्र और राहु, तीन लोग ऐसे ही है, यम सूर्यदेव और शनिदेव, तीन लोग यहाँ भी। शनिदेव का युद्ध होगा देवी नीलिमा से। हाँ, तो दो लोगों को संभालना, तीन लोगों को, क्या ये संभव है? सूर्यदेव पे खैर देवी संज्ञा तो आक्रमण नहीं करेंगी, ना यम पे करेंगी, नहीं कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, तो गांजा फूंक के बैठे कुछ भी हो सकता है। समय तो उन्होंने बोल दिया कि मैं सूर्य लोक, सबको पछतावा होगा, सबका बदला लूंगी मैं, सबका बदला लेंगे। फिलहाल इस एपिसोड के समाप्त करते हैं, शीघ्र लौटेंगे नए एपिसोड, तब तक के लिए राधे राधे।